कुशीनगर जनपद के पडरौना नगर की सड़कों को देखकर आप सड़क और नाले में अंतर नहीं बता पाएंगे। यहाँ की सड़कों में गड्ढे इतने हैं कि आप सड़क और गड्ढे में अंतर नहीं पता कर पाएंगे। इन सड़कों से आने जाने वाले व्यक्तियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा सड़कों की दुर्दशा की वजह से यहाँ आए दिन दुर्घटनाएँ होती रहती है। नगर के इन सड़कों में हुए गड्ढों में इतना पानी लगी हुई है कि आप इसे देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसके अंदर कितने गड्ढे हैं और कितने बड़े गड्ढे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि नगरपालिका अध्यक्ष के साथ ही सांसद और विधायक को भी इसके बारे में कई बार अवगत कराया गया, लेकिन इस पर उनका ध्यान कभी आकर्षित नहीं हुआ। अब सड़कों में हुए गड्ढे को लेकर आज स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इस सड़क को सही किया जाए, नहीं तो किसी दिन यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो हम बृहद आंदोलन को बाध्य होंगे। एक हफ्ता पूर्व हम लोगों ने एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है और पडरौना के जो रोड है उनकी दुर्व्यवस्था को लेकर, आप इस रोड की हालत देख रहे हैं। कटकुइयां मोड़ से आप सिधुआ तक चले जाइए, कटकुइयां मोड़ से निकल भूतलाल कॉलोनी होते हुए और ये बाईपास होके बेलवा चुंगी और सीधे आप खिड़किया तक चले जाइए, नौका टोला मार्केट में चले जाइए, चारों तरफ रोड की हालत। अब ये रोड गड्ढा नहीं, ये तालाब बन चुका है और चारों तरफ रोड को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हम मांग करते हैं, यहाँ पे विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, यहाँ सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। आए दिन इस रोड पे घटनाएं हो रही हैं। अभी एक महिला गिर गई है जो पेपर देने जा रही थी, उनका सर फट गया है। इस तरह की रोड घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर हम नौजवान आक्रोशित हैं और ये चेतावनी दे रहे हैं, अगर अब इस रोड पे निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो हम लोग अमरण अनशन तक करने के लिए बात करेंगे। ये कमोवेश तो हर साल की यही चलता है, फिर इसका परमानेंट सलूशन कैसे निकलेगा? देखिए, पूर्ण रूप से ये लोग काम करना चाहते ही नहीं, और काम करना चाहते आप पडरौना नगर में किसी भी रोड पर चले जाइए, सब रोड की यही हालत है, एकदम दुर्व्यवस्था हो गई है। हम लोग तंग आ चुके हैं, लोग गांव से शहर में आते हैं, आप बढ़िया बढ़िया व्यवस्था होगा, रोड बढ़िया होगा, नाली बढ़िया होगा, हॉस्पिटल बढ़िया होगा, लेकिन जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको भी जाने की सुविधा नहीं है, वो भी जाते हैं तो इस पहले गंगा में नहा के उसके बाद जाते हैं। बहुत दुर्गति है और ये संवेदनशील मामला है, और अगर सरकार, नगर पालिका अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी अगर इस पर ठोस कदम नहीं उठाए, हम ये कोई दलगत की बात नहीं कर रहा हूँ, जनता आक्रोशित है रोड को लेकर और इसके लिए भीषण आंदोलन हम लोग करेंगे।